नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की यूजी स्तर की यानी कि स्नातक स्तर की इन टर्म के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, अब स्नातक स्तर के ही बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड जो सीबीसीएस पैटर्न पर एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसकी तिथि प्रस्तावित हो चुकी है। एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है, 14 फरवरी से फर्स्ट सेमेस्टर और 16 फरवरी से थर्ड सेमेस्टर बीएड के एग्ज़ाम होंगे और स्नातक स्तर पर बीए, बीकॉम और बीएससी के जो एग्ज़ामिनेशन हुए हैं वह मिड टर्म और इन टर्म अलग अलग हुआ है, लेकिन बीएड स्तर पर मिड टर्म और इन टर्म दोनों एग्जामिनेशन साथ साथ होंगे। मिड टर्म में 6 प्रश्न आएंगे डिस्क्रिप्टिव मोड में, आपको किन्हीं 3 प्रश्नों को करना होगा, और इन टर्म में उसी के साथ पेपर होगा, साथ में ही 40 ऑब्जेक्टिव मोड में प्रश्न आएंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं, और मैं वीरेंद्र आप लोगों से यह सहयोग का आकांक्षी हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन कोड ईडीयू बीएड 101 पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के मूल तत्व। आपसे फर्स्ट पेपर में शिक्षा के मूल तत्व से प्रश्न बनेंगे, प्रश्न किस प्रकार बनेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि पहला ही प्रश्न आपका यहाँ क्रिएट होगा, एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और अब एजुकेशन के शाब्दिक अर्थ से प्रश्न बनेंगे। शाब्दिक अर्थ में मैं 2 भागों में बांटा हूँ इसको, भारतीय परिप्रेक्ष्य में और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में, दोनों भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है आइए उसको देखते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा जो है वह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अब प्रश्न पिछली बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी है, इसका क्या अर्थ होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे इंटर में, वहाँ पर ऑप्शन 1 था सीखना सिखाना, वही सही ऑप्शन था। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से यह भी बन सकता है कि शिक्षा संस्कृत के किस धातु से बनी है। 4 ऑप्शन दिया होगा उसमें शिक्ष धातु भी दिया होगा, तो शिक्ष धातु सही होगा। तो आप देखें भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, और पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य यानी कि यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा है उसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। ये तो क्लियर है, आप सभी जानते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो जो शिक्षा है एजुकेशन है वह लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, किससे बना है, तो लैटिन भाषा के एजुकेटम से एजुकेशन बना है, और एजुकेटम भी लैटिन के 2 मूल शब्दों से मिलकर बना है, वो है ई और डूको। ई का अर्थ है अंदर से, डूको का अर्थ है बाहर निकालना, अग्रसर करना, आगे बढ़ाना। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है, ई और डूको से। ई और डूको का क्रमशः क्या अर्थ होता है, तो ई का अर्थ होता है अंदर से और डूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है
प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ था, या पूछेगा प्राचीन काल में भारत में शिक्षा का अर्थ है, तो प्राचीन काल में शिक्षा का जो अर्थ था वह था सा विद्या या विमुक्ते, विद्या का पर्याय, शिक्षा का पर्याय विद्या के रूप में भी भारतीय प्राचीन मनीषियों ने प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर सा विद्या या विमुक्ते शिक्षा वही है जो मुक्ति प्रदान करे, यानी कि मोक्ष प्रदान करे, क्योंकि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में जो वैदिक कालीन ज्ञान व्यवस्था थी उसमें शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि आवागमन के चक्र से मुक्ति। तो यहाँ पे प्राचीन भारतीय शिक्षा में शिक्षा का जो अर्थ था वह था सा विद्या या विमुक्ते। और प्रश्न बना है कि सा विद्या या विमुक्ते किसकी युक्ति है, तो जो ऑप्शन दिया हुआ था पिछली बार परीक्षा में आप लोगों के, उसमें दिया हुआ था कि शंकराचार्य, तो आप लोग इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा किसकी पुस्तक है, प्राचीन भारत में शिक्षा किसकी पुस्तक है, तो यह प्रसिद्ध पुस्तक डॉक्टर अल्टेकर की है, डॉक्टर अल्टेकर की पुस्तक है प्राचीन भारत में शिक्षा, आप इसे तैयार करें। अगला यह स्टेटमेंट है, शिक्षा जीवन की तैयारी है, शिक्षा जीवन की तैयारी है, किसने कहा, तो यह प्रसिद्ध कथन बिलमांट महोदय का है, आप लोग इसे तैयार करें। परीक्षाओं से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं उसमें आपके जो परिभाषाएं हैं उससे प्रश्न बनेंगे, पुस्तकों से प्रश्न बनेंगे, और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से ही, शिक्षा के मूल तत्व से संबंधित ही प्रश्न रहेंगे, आप देखें। अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थ में शिक्षा का क्या अर्थ है, तो व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ होता है जीवन, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यहीं पर शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है कि विद्यालय में प्राप्त होने वाली शिक्षा जो होती है वह संकुचित अर्थ में, और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो है वह व्यापक अर्थ में। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप लोग तैयार कर लें। अगला है, शिक्षा शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा, शिक्षा शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा, तो यह प्लेटो का स्टेटमेंट है, आप लोग इसे तैयार करेंगे कि यह प्लेटो का स्टेटमेंट है कि शिक्षा शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा, तो यह प्लेटो का स्टेटमेंट है, आप तैयार रखेंगे। अगली परिभाषा है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है, यह परिभाषा किसने दी, तो यह परिभाषा अरस्तु की है, अरस्तु ने कहा शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है, तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, यह भी स्टेटमेंट ही है, शिक्षा अंदर से होने वाला एक विकास है, शिक्षा अंदर से होने वाला एक विकास है, यह बाहर से संचय नहीं होता है, यह परिभाषा जो दी है वह रूसो महोदय ने दिया है, किसने दिया है, रूसो ने। आइए अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न भी स्टेटमेंट है, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण तथा प्रगतिशील विकास है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा जो है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है, यह परिभाषा प्रसिद्ध शिक्षाविद पेस्टोलॉजी महोदय की है, तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, शिक्षा के अंग कितने, शिक्षा के कितने अंग हैं, तो शिक्षा के 3 अंग हैं, कौन कौन,
शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो यहाँ से बार बार प्रश्न बने हैं, बनेंगे भी। सबसे शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह विद्यार्थी है, यानी कि शिक्षार्थी, फिर शिक्षक और पाठ्यक्रम। यहाँ से दो तीन प्रश्न बनते हैं, जैसे किसने कहा शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो एडम्स महोदय ने कहा। और शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा? तो यह जॉन डीवी ने कहा। तो आप लोग इसे भी तैयार कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के साधन कितने प्रकार के हैं? तो तीन प्रकार के हैं शिक्षा के साधन। कौन कौन? औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। पिछली बार परीक्षा में आप लोगों से कम 5 या 6 प्रश्न यहाँ से बने थे। औपचारिक शिक्षा क्या है? जो सुनियोजित ढंग से दी जाती है, जैसे विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, वह है औपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा व्यापक अर्थ में है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई विशेष स्थान या समय निश्चित नहीं होता है, सुनियोजित नहीं होता। यह जीवन के प्रत्येक क्षण जो नए अनुभव प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, वह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और औपचारिक शिक्षा को और सुटेबल और फ्लेक्सिबल, लचीला बनाने के लिए निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली अपनाई गई। और निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत खुला विश्वविद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, ये सब निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। तो जैसे आपसे पूछ देगा निम्न में से कौन औपचारिक शिक्षा का अभिकरण है, तो उसमें आप विद्यालय है, जो सुनियोजित विद्यालय है, पुस्तकालय है, ये सब जो आएंगे आपके, जो सुनियोजित तरीके से शिक्षा देने के लिए समय स्थान आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, वो सब आपके औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे। अनौपचारिक शिक्षा आप समझ ही गए हैं, किसका कोई भी सुनियोजित योजना नहीं होती, जीवन के प्रत्येक क्षण जो अनुभव के रूप में शिक्षा मिलती है वो सब अनौपचारिक के अंतर्गत है। जैसे परिवार में जो शिक्षा मिलती है, समाज में जो शिक्षा मिलती है, यह सब जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। और निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आपका खुला विश्वविद्यालय आएगा, प्रौढ़ शिक्षा आएगा, सतत शिक्षा आएगा, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें, निषेधात्मक शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो निषेधात्मक शिक्षा के जो प्रवर्तक थे वह रूसो थे। रूसो की शिक्षा संबंधी पुस्तक का क्या नाम है? वह है एमिल है। रूसो की पुस्तक जो शिक्षा से संबंधित है, एमिल। और एमिल में कितने खंड हैं? तो 5 खंड हैं। जो 5वां खंड है वह स्त्री शिक्षा से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप देख लीजिएगा। और जो एमिल शिक्षा पर ग्रंथ है, इसमें 2 पात्र हैं। एक पुरुष पात्र है जिसका क्या नाम है? एमिल। और स्त्री पात्र का क्या नाम है? सोफिया। कहीं कहीं सोफी देता है, कहीं कहीं सोफिया देता है, तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। आइए, अगर रूसो की बात हुई है तो रूसो प्रकृतिवादी हैं, ये आप जानते हैं। 10 सेकंड पेपर में नॉलेज एंड करिकुलम से संबंधित मेरी वीडियो पड़ी हुई है पिछले साल की, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये तो फर्स्ट पेपर की मेरी पहली वीडियो है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसे तैयार करें। गारंटी है कि परीक्षा में आप अच्छे अंक पाएंगे, आपसे प्रश्न मिलेगा। ना अगर विश्वास हो रहा हो आपको, तो आप अभी स्नातक की बीए के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में मैं जो वीडियो बनाया हूं और प्रश्न पत्र के आंसर की जारी किया हूं, आप मिलान कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, अगला 12 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के जो उपागम हैं वह महत्वपूर्ण जो हैं वो 5 हैं। दार्शनिक उपागम, सामाजिक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम और वैज्ञानिक उपागम। इसे आप तैयार करें, शिक्षा के उपागम। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह किसका कथन है? तो यह प्रसिद्ध कथन जॉन डीवी का है। जॉन डीवी ने कहा विद्यालय समाज का लघु रूप है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के समर्थक विद्वान कौन है? तो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के समर्थक विद्वान टीपी नन महोदय हैं। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि डी स्कूलिंग अर्थात निर्विद्यालयीकरण नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इवान इलिच ने। किसने लिखा? निर्विद्यालयीकरण, अंग्रेजी में कहेंगे डी स्कूलिंग, तो यह पुस्तक लिखा था इवान इलिच ने। आप इसे भी तैयार कर लें, साथ में याद आ गया है। 15 नंबर प्रश्न है, विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट भी जॉन डीवी की है। और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक जो है ये भी जॉन डीवी की है। जॉन डीवी प्रयोजनवादी हैं, अमेरिकन शिक्षाविद हैं, तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, सामाजिकरण तथा वैयक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। सामाजिकरण तथा वैयक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। प्रश्न एक बार और सुने, सामाजिकरण तथा वैयक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, किसने कहा? तो यह स्टेटमेंट प्रसिद्ध समाजशास्त्री शिक्षाविद मैकाइवर का है। और मैकाइवर की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो मैकाइवर की प्रसिद्ध पुस्तक सोसाइटी है। हिंदी में कहें तो समाज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मैकाइवर ने किया। आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का दायित्व किस पर है? तो भारत में जो शिक्षा भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में है, और आप जानते हैं समवर्ती सूची जो होता है उस पे सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची है, और समवर्ती सूची में जो मतलब मैटर होते हैं, जो विषय होते हैं, उस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। तो भारत में शिक्षा का दायित्व केंद्र एवं राज्य दोनों पर है। इस पे पिछले साल प्रश्न बना हुआ है, पूछ सकता है किस अनुसूची में है, समवर्ती सूची है तो सातवीं में। आइए अगले प्रश्न को देखें, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा आयोग की बात हो रही है, तो 1964 में स्थापित हुआ, गठन किया गया, 66 में रिपोर्ट दिया गया। इसका एक अन्य नाम है कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। और दौलत सिंह कोठारी को किस आयोग के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वह 1952-53 ईस्वी है, और इस माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कोठारी जी थे, इसके थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो लक्ष्मण स्वामी जो मुदालियर थे, इनके नाम पर इसे मुदालियर आयोग भी कहा गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग को। और दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष थे भारतीय शिक्षा आयोग के, तो इसको कहा गया कोठारी आयोग। आइए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 20 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किस शिक्षा से है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो आई थी कब अगर पूछे तो 1987 में, और इसका संबंध है तो प्राथमिक शिक्षा से। यहीं से एक प्रश्न बनता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो आई किस शिक्षा नीति के तहत आई? तो यह जो आई वह 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आई थी। और यहीं से यह प्रश्न बने कि भारत में सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का पहला प्रस्ताव किसने पारित कराया था? तो सही किया था, तो इसका होगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए प्रयास किया था, अपना
अपना प्रसिद्ध विधेयक प्रस्तुत किया था, जबकि उस समय नहीं माना गया, लेकिन पहले भारतीय वो थे। और बुनियादी शिक्षा किसका था, तो महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना थी। गांधी जी का अगर पूछे शिक्षा की परिभाषा, तो शिक्षा गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा दिया था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है। यह परिभाषा गांधी जी की है, इसे भी आप देख लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई, तो नवंबर 1956 में। और इसकी नींव कब पड़ी UGC की, तो नींव पड़ी थी 28 दिसंबर 1953 ईस्वी में, और इसे भारतीय विधि प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया गया। नवंबर 1956 में नींव पड़ी थी, 28 दिसंबर 1953 में। और तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे, तो जब भारतीय UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बना था, उस समय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आप यहाँ से प्रश्न बनेगा, और UGC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो UGC के प्रथम अध्यक्ष जो थे वे थे शांति स्वरूप भटनागर। तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है 22 नंबर, NCTE की स्थापना कब हुई, तो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, सुनिए, नेशनल, यन से नेशनल, सी से काउंसिल, टी फॉर टीचर, टी से टीचर, ई से एजुकेशन, NCTE की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। अगला है, अंतिम प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, NCERT की स्थापना कब हुई, तो NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। तो मित्रों, आप लोगों को मैं बहुत ही संक्षिप्त तरीके से और पूरे सिलेबस पे कमांड करने का प्रयास किया हूँ। जो प्रश्न बचे हैं, उन प्रश्नों को 1 से 2 दिन में मैं जल्द से जल्द आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। आप लोग इसे तैयार करें, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बार बार रिवीजन करें। हमें लगता है कि पेपर आपका तैयार भी होगा, आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आप अच्छे अंकों से पास हों, इसी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।